चमकीले दी गायकी रहिंदी दुनिया तक अमर रहेगी। अमर सिंह चमकीला गीतकार, संगीतकार, गायक ते बतौर इंसान बहुत ही वधिया सी। उसने मार्केट विच आउण लई ते फिर स्थापित होण लई हम उम्र साथियों नालों बहुत ही ज़्यादा मेहनत ते संघर्ष कीता सी। उसने अपने समकाली गीतकारां ते गायकां तों वक्खरी ही गीतकारी ते वक्खरी ही गायकी कीती सी, जिसकी स्रोतियां ने बहुत ही शलांघा ते सत्कार किया अते हुण वी कर रहे हैं। जिहड़े लोग अमर सिंह चमकीले की गायकी नूं लचर अते अश्लील कहिंदे हन, उन्हां दा अपनी ही सोच लचर अश्लील जां उन्हां दी मानसिकता ही बीमार है, जो हेठले पद्धर ते ही सीमित रह गई। चमकीले तो पहला भी गायिका ने लचर गाया ते गीतकारां ते लिखिया है। इस तो बाद भी गायक गीतकार लचरता दा सहारा लैके रातों रात स्थापित होने लई तरलो मछी हो रहे हैं। सिर्फ ते सिर्फ चमकीले नूं ही क्यों लचरता दा सर्टिफिकेट दिता गया? इस दे मगर भी कोई गीतकार ते गायिका दी शास्त कम करती सी, क्योंकि वह मेहनत करके इस दे बराबरता नहीं पहुँच सके, पर इस दी विरोधता करनी ही उन्हां दे पल्ले रही अते होर कख ना रहा। अमर सिंह चमकीले ने अपने समय दुगाणा, सोलो अते धार्मिक गायकी गाई सारी ही गायकी नूं लोकां ने पसंद किया अते हुण वी स्रोते उस दी गायकी नूं प्रणाम करदे हन। चमकीले दी कलम अते आवाज़ बहुत ही बुलंद सी, इसलिए इसने नवें पद्धर दी गायकी शुरू कीती, जिन्हां विच धार्मिक दुगाणे, लोक गीत, लोक तत्थ, लोक गाथा आदि शामिल सन। अमर सिंह चमकीले दा मैं ही नहीं, मेरे वर्गे होर भी लखां ही स्रोते इस दे सरदालु हन। मैं समझदा ही नहीं, सगों बड़े विश्वास नाल कहिंदा हाँ कि चमकीले दी गायकी रहिंदी दुनिया तक अमर रहेगी ते स्रोते इस दी गायकी नूं सत्कार करदे रहणगे।